करबल में आले रसो करबल में आले रसो करबल में आले रसोल पावे सैयदा के फूल करबल में आले रसोल पावे सैयदा के फूल आए दीने का गुलशन बचाने के लिए आए दीने का गुलशन बचाने के लिए है दर के लखते दीगर है दर के लखते दीगर करके तय बातें सफर है दर के लखते दीगर करके तय बातें सफर आए दीने का गुलशन बचाने तेजी के साथ हाथ समाप्त कर ले कि एक तरफ थे सिर पे बहाए और एक तरफ ला लश्कर ऐसी है बदती नारी ऐसी है बदती नारी बहत्तर लाखों पे भारी ऐसी है बदती नारी बहत्तर लाखों पे भारी एक सबक दे दिया है जमाने के लिए सबक दे दिया है जमाने के लिए सबक दे दिया है जमाने के लिए ये बात सर पे अजमत का है ताज सर पे अजमत का है ताज रन में पढ़ रहे हैं नमाज सर पे अजमत का है ताज रन में पढ़ रहे हैं नमाज क्यों अपने नाना की उम्मा बचाने के लिए हासिले कलाम बन बन आप तक पहुंचाता हूं जो मेरे दिल को बहुत छूता है वो आप तक पहुंचा रहा हूं समाप्त कर ले कि प्यास का आलम होटी जो खोले और झूले से आली असगर बोले अगर बोले क्या बाबा अब कर दो कुर्बान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान क्यों कि दिल है बेताब अब दीन खाने दिल है बेताब अब
पत्ते खाने के लिए दिल है बेटा। तौहीने मवद्दत कभी करने नहीं देती, तौहीने मवद्दत कभी करने नहीं देती, गुलजारे अकीदत को बिखरने नहीं देती। और मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। वाकई अहले बैत की गुलामी सबको नसीब नहीं होती है, अहले बैत की गुलामी के लिए माँ का नेक होना जरूरी है और बाप का एक होना जरूरी है। और फिर ये जब एक और नेक हो तो फिर अपने ज़हन और फिक्र का जायजा लेना भी जरूरी है, तब जाकर के अहले बैत की गुलामी नसीब होती है, जिसके बारे में हदीस मुबारक है, मम्मा था अला हुब्बे आले मोहम्मद मा तो शहीदा, के जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गया वो शहीद हो गया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आगे एक और हदीस पाक ये है कि मम्मा था अला बुग्ज आले मोहम्मद मा तो काफिरा, के जो अहले बैत की बुग्ज में मरा वो कुफ्र पर मरा। अब जरा सोचिए कितना बड़ा करम है अहले बैत का हम पर, हम सब बड़े खुश नसीब हैं के सरकार तेरे अली की छत्र छाया में बैठकर औलादे अली की ज़ियारत कर रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं हम लोग। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ इस हवाले से कि ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। अब जरा बोले गौसे पाक के इशारे पर मुर्दे बोल पड़ते थे, आप औलादे गौसे आजम के सामने बैठकर क्या जिंदे नहीं बोल सकते? कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या अली या अली या अली। देखिए कितना बड़ा एहसान है अहले बैत का हम पर कि ज़बा संभाल। अहले स्टेज की बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे सादात की तवज्जो चाहिए, इसलिए कि मुझे मालूम है कि अगर किसी भी सैयद का या सादात का तवज्जो दानिश अनवर के वजूद से जरा सी देर के लिए भी हट जाए तो दानिश अनवर की जिंदगी खाक हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शेर सुने कि ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। और तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। इस वक्त बहुत लंबी निजामत दूरंदेशी की अलामत नहीं है। एक नारा